नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन, जो बहुत ही परफेक्ट बनेगा। बिल्कुल गुठलियाँ नहीं उसमें रहेंगी, ना ही ये फटेंगे। देखिए इसे कैसे बनाते हैं, चलिए बनाना शुरू करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने ले लिया है जो पैकेट का गुलाब जामुन बनाने के लिए पाउडर आता है उसको। बहुत सारे लोग दोस्तों इसको बनाते हैं तो बीच में गुठलियाँ रह जाती हैं और क्रैक्स आ जाते हैं, फट जाते हैं जब हम उसे तलते हैं, भिगोते हैं। आप हमारे तरीके से बनाएंगे तो उसमें ना ही गुठलियाँ पड़ेंगी बीच में, ना ही फटेंगी। चलिए इसे बनाते हैं, किस तरह से बनाएंगे हम, कुछ ट्रिक्स हैं जिसको आप अपना कर बहुत अच्छा गुलाब जामुन बना सकते हैं। हम गुलाब जामुन के पाउडर में 1 चम्मच के करीब मिलाएंगे ये तेल, रिफाइंड तेल मिलाएंगे, या आप घी भी इसमें मिला सकते हैं। अच्छी तरह से मिला देंगे, इसे बहुत अच्छी तरह से मिलाएंगे इस तरह से। इसको डालने से दोस्तों गुठलियां नहीं पड़ेंगी बीच में, बहुत अच्छे से गुलाब जामुन चाशनी सोखेगा और फटेंगे भी नहीं। हमने जो गुलाब जामुन पाउडर लिया है दोस्तों, ये 600 ग्राम के करीब है, इसी के हिसाब से हम चाशनी बनाएंगे। हमने अच्छी प्रकार से मोयम कर लिया है इसमें ऑयल का, इसमें अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे सॉफ्ट आटा लगाएंगे इसका। आप अगर आपके पास दूध हो तो उससे भी आप लगा सकते हैं, नहीं है तो आप पानी से ही इसे गूंथिए। ज़्यादा पानी एक ही बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल करके इसको, हमारा ये जो डो होगा गीला हो जाएगा। दोस्तों इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी लगा करके हाथों में मुलायम गूंथेंगे इसे, और बहुत अच्छे से मसल मसल कर गूंथेंगे। हमने देखिए इसे अच्छे प्रकार से गूंथ लिया है, एकदम नरम आटा लगाया है इसका। इसको हम ढक देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, तब तक चलिए चाशनी बना लेते हैं। हम ले लेंगे एक भगोना, उसमें डालेंगे 1.25 लीटर पानी चाशनी के लिए। हमने 1.5 किलो चीनी लिया है, इसमें डाल देंगे हम 8 पे रख देते हैं इसको चाशनी बनने के लिए। दोस्तों हम चाशनी को चलाते रहेंगे, चीनी नहीं तो हमारी तली में चिपक जाएगा भगोने के। देखिए थोड़ा चीनी हमारा साफ नहीं है, इसको साफ करने के लिए इसमें हम डालेंगे दूध। चीनी हमारी जब पिघल जाएगी इसमें हम डालेंगे दूध। देखिए चीनी हमारी पिघल चुकी है, इसमें डाल देते हैं हम 1/2 कटोरी के करीब दूध, जिससे हमारी चीनी पूरी तरह से साफ हो जाएगी। अगर आपके पास नींबू हो उससे भी आप चाशनी साफ कर सकते हैं। देखिए चाशनी से दूध डालने की वजह से गंदगी ऊपर आ गई है, इसे हम उबलने से पहले ही निकाल लेंगे इस तरह से छन्नी लेकर के, बारीक छन्नी होनी चाहिए। अलग कटोरी में निकालते जाएंगे सावधानी से। चाशनी देखिए हमारी अच्छे तरीके से साफ हो चुकी है, इसमें जब उबाल आएगा तो थोड़ा सा और निकलेगा, उसको भी हम निकालेंगे। 10 मिनट के और लगेगा चाशनी बनने में दोस्तों, चलिए तब तक हम बना लेंगे गुलाब जामुन की गोलियां। हमने जो आटा गूंथ करके रखा था गुलाब जामुन पाउडर का, उसे देख लेते हैं। देखिए अच्छी प्रकार से सेट हो चुका है, इसको फिर से हम मसल लेंगे इस तरह से। देखिए हमने इसे अच्छे से मसल लिया है, इसमें हम तोड़ लेंगे छोटी छोटी लोइयां इस तरह से। जिस साइज का आपको गुलाब जामुन बनाना हो उतना आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, इस तरह से तोड़ करके हम रख लेंगे।
देखिए हमने एक साइज की लोइयां काट करके रख ली हुई हैं। चलिए अब देख लेते हैं चाशनी हमारा तैयार हुआ है कि नहीं। देखिए चाशनी हमारा उबल रहा है। ये प्याज थोड़ा थोड़ा सफेद इसमें झाग दिख रहा है, इसको भी हम निकाल लेंगे, तब जा करके हमारी चाशनी एकदम साफ हो जाएगी। चाशनी हमारी 10 मिनट तक पक चुकी है, इसे चेक कर लेते हैं तैयार हुई है कि नहीं। इस तरह से हम लेंगे, इस तरह से देखेंगे, थोड़ी सी चिपचिपी लग रही है। चाशनी हमारी तैयार है, इसे हम बंद कर देंगे और ढक करके रख देंगे। इसके बाद चलिए हम बना लेते हैं गोलियां। हम लगा लेंगे थोड़ा सा हथेलियों पे तेल इस तरह से, लोइयों को इस तरह से दबा करके हम देखिए किस तरह से हम बना रहे हैं। इस तरह से दबा करके चिकनी गोलियां बनाएंगे। बिल्कुल गोल है और इसमें धारियां भी नहीं है। अगर धारियां रह जाएंगी गोली बनाते हुए तो वो जा करके जब तलने पर तेल में जाएंगी तो फट जाएंगी। इस तरह से बिना धारियों के हम गोलियों को तैयार करेंगे अच्छे से, और इस तरह से रखते जाएंगे। इस दूसरी गोली भी हमने बना ली है। सारी गोलियों को हम बना करके रख लेंगे। गुलाब जामुन की गोलियों को बना के रख लिया है। इसे हम सूती कपड़े से ढक देंगे। भिगो करके हमने इसे पूरा पानी इसमें से निचोड़ दिया है। चलिए चलते हैं तेल गरम कर लेते हैं कढ़ाई में। हमने रख दिया है कढ़ाई में तेल, देखते हैं ये गरम है कि नहीं। थोड़ा सा हम लेकर के आटा इसमें डालेंगे। तेल हमारा परफेक्ट गरम है। अब हम इसमें गुलाब जामुन की गोली, चलिए हमने जो बना करके रखा था गोलियां उसे हम डालेंगे एक एक करके। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। गोलियां देखिए हमारे तैर कर ऊपर आ गई हैं। हम एकदम लो कर देंगे गैस का फ्लेम। इसको ऐसे चलाते हुए तलेंगे, बराबर चलाएंगे इसे। इसे हम सुनहरा कलर आने तक धीमे आंच पे तलेंगे। दोस्तों धीमी आंच पर तलने से यह पूरी तरह से अंदर तक पक चुका होता है। देखिए बहुत ही सुनहरा कलर हो गया है, अंदर तक पक चुका है। हम इसे निकाल लेते हैं थाली में। इसी तरह से दोस्तों हम सारी गोलियों को तल लेंगे। हमारा पक चुका है, निकाल लेते हैं इसे। देखिए हमारी एक भी गोलियां फटी हुई नहीं है। इस ट्रिक से आप बनाएंगे तो गोलियां बिल्कुल नहीं फटेंगी, बहुत अच्छी बनेंगी गुलाब जामुन। सब गुलाब जामुन को देखिए हमने तल करके निकाल लिया है। इसे 2 मिनट के लिए हम रखेंगे ठंडा होने के लिए, तब तक देख लेते हैं हम चाशनी। चाशनी अभी हमारी गर्म है। इसमें हम डाल देंगे इलायची। आप कभी भी बहुत ज्यादा गर्म चाशनी में इलायची मत डालिए, नहीं फ्लेवर होता है, खत्म हो जाता है। 2 मिनट हो चुके हैं, इसमें हम डाल देंगे सारे गुलाब जामुन को। इसे थोड़ी देर हम इस तरह से मिलाते रहेंगे, धीरे धीरे, तेज नहीं मिलाना है। इसे हम रख देते हैं आधे घंटे के लिए। बीच में एक बार और हम 10 मिनट के बाद इस हल्के हाथ से इस प्रकार से मिला देंगे। आधे घंटे हो चुके हैं, हम इसको खोल करके देखते हैं कि हमारा गुलाब जामुन कैसा है बना हुआ है। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से हमारा गुलाब जामुन फूल चुका है। देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है।
बिल्कुल स्पंजी आपको काट करके दिखाते हैं कितना रस इसमें भरा हुआ है। बिल्कुल अंतर तक गल गया है ये, देखिए इसमें बिल्कुल नई गुठलियाँ हैं। देखिए इसमें जो धारियाँ पड़ जाती हैं, फूट जाते हैं, फट जाते हैं, बिल्कुल नहीं फटा हुआ है। इस तरह के तरीके से अगर आप गुलाब जामुन बनाएंगे तो बहुत परफेक्ट बनेगा। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो, रेसिपी पसंद आती हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों धन्यवाद।